ऐसा पहली बार नहीं है। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें एक दूसरे के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं किरदार। 17 नवंबर से थिएटर्स में आ चुकी है एक ऐसी ही फिल्म जिसका नाम है अक्सर 2। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है जरीन खान के इर्द गिर्द घूमती फिल्म अक्सर 2 के बारे में। इमरान हाशमी की 2006 में आई फिल्म अक्सर की सीक्वल है अक्सर 2। वैसे तो इस फिल्म का कॉम्पिटिशन है थिएटर्स में विद्या बालन की तुम्हारी सुलू और हॉलीवुड फिल्म जस्टिस लीग से, लेकिन आइए जरा जान लेते हैं कि ये फिल्म कैसी है। जरीन खान, गौतम रोड़े, अभिनव शुक्ला, लिलिट दुबे और मोहित मदान की फिल्म अक्सर 2 17 तारीख से थिएटर्स में आई है। लेकिन इस फिल्म में एक चीज और खास है, वो है क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने और पॉलिटिशियन से एक्टर बने एस श्रीसंत। जी हाँ, क्रिकेटर श्रीसंत भी आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं एक वकील की भूमिका में। फिल्म की कहानी वैसे तो काफी एंटरटेनिंग है, दिलचस्प है, लेकिन थोड़ी सी उलझी हुई। इस फिल्म की कहानी के हिसाब से दो एक्टर्स के साथ जरीन खान रोमांस करते हुए नजर आने वाली है। फिल्म में बोल्ड सीन्स है, जाहिर सी बात है जरीन खान है तो बोल्ड सीन तो हो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हिट स्टोरी 3 में जरीन खान काफी बोल्ड सीन दे चुकी हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं अनंत नारायण महादेवन साहब। फिल्म की कहानी अमीर माल की मिसेस खंबाटा यानी कि ललित दुबे से शुरू होती है, जो अपने मैनेजर पैट यानी कि गौतम रोड़े से कहती हैं कि उनकी देखभाल के लिए किसी वृद्ध महिला को अपॉइंट किया जाए। लेकिन पैट देखभाल के लिए कोई बूढ़ी आया लाने की बजाय लेके आ जाते हैं शीना रॉय को यानी कि जरीन खान को, और सिफारिश करते हैं लिलिट दुबे से कि जरीन को ही रख लिया जाए। मिसेस खंबाटा यानी कि लिलिट दुबे ना चाहते हुए भी जरीन को अपॉइंट कर देती हैं। लेकिन उसके बाद जैसे फिल्म चलती है आपको समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे के बुने हुए जाल में कैसे फंस जाते हैं सारे किरदार। अब आइए जरा फिल्म के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं पॉइंट वाइज कि आखिर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो अनंत नारायण ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्शन देने की कोशिश की है, लेकिन इसे कहा जा सकता है कि ये एवरेज है। लेकिन फिल्म के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये इमरान हाशमी की अक्सर की सीक्वल है, तो उसका फायदा मिलने वाला है क्योंकि ऑडियंस उस नाम से भी पहुंचने वाली है फिल्म को देखने के लिए। पर एक चीज है कि इस फिल्म में इमरान हाशमी वाली अक्सर का जादू उतने अच्छे तरीके से नहीं फैल पाया है। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया साहब ने। अच्छा म्यूजिक दिया उन्होंने, अच्छा क्या, काफी कमाल का है। गाने ऐसे हैं जो पहले से ही फिल्म को लेकर बना चुके हैं। अब अरिजीत सिंह की आवाज में आज जिद गाने को कोई कैसे भूल सकता है, लोगों की जुबान पर अभी तक चढ़ा रहता है गाना। उसके अलावा भी फिल्म के जितने गाने हैं वो काफी अच्छे हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो हर कैरेक्टर ने अपने किरदार को बखूबी निभाने की कोशिश की है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर लगता है। स्क्रीन प्ले स्मूथ चलता है, नॉर्मल चलता है, बहुत ज्यादा खास नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये फिल्म एवरेज है। वहीं पर देखा जाए तो इसके सामने है तुम्हारी सुलू, जो इससे थोड़ी सी दमदार साबित होती है। पूरे फिल्म में आपको जो याद रहने वाली चीज है वो है आज जिद गाना। स्टार्स की बात की जाए तो फिल्मी बीट की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार यानी कि 2.5 स्टार्स। तो जनाब अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये फिल्म देखने जाना है या नहीं जाना है। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।